हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक फर्जी खबर तेजी से वायरल हो रहा था जो कि 12वीं को बोर्ड परीक्षा को लेकर था कि उसका जो बोर्ड परीक्षा है वो स्थगित होने वाला है। तो इस खबर पे अब जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है वो एक्शन मोड में आ गया है और पुलिस में जाकर शिकायत कर दिया है। जो भी ये फर्जी खबर वायरल किया था अब उन पे कार्रवाई होनी तय है। मतलब कि अगर आप लोग भी ये न्यूज़ को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ आप स्टॉप कर दीजिए ये शेयर करना, क्योंकि ये एक फर्जी न्यूज़ था और फर्जी न्यूज़ को शेयर करना क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत आता है। तो देखिए क्या किया गया है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अब अगर अभी तक वो आदेश का कॉपी आप तक नहीं पहुँचा है तो आप तक ज़रूर पहुँचेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड परीक्षा स्थगित होने का फर्जी आदेश वायरल, मचा हड़कम। मतलब कि वीके गोयल सर को सामने आकर बताना पड़ा कि ये खबर फर्जी है और ये आदेश नहीं जारी किया गया है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई न्यूज़ आता है तो प्लीज़ आप उसको शेयर ना करें, क्योंकि पुलिस उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है जो लोग इसको शेयर करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले शेयर किया होगा उसको पकड़ेगी और जेल में डालेगी, ठीक है। तो क्या है, कोरोना के कहर के बीच लगातार इंटरनेट मीडिया पर फर्जी सरकारी आदेश लगाकर वायरल हो रहे हैं। शनिवार को व्हाट्सएप पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं परीक्षा के स्थगित होने का पत्र वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में मंडल के सचिव प्रोफेसर वीके गोयल ने मीडिया को जानकारी दी कि यह उनके हस्ताक्षर से फर्जी पत्र वायरल किया जा रहा है, ठीक है। तो अब पुलिस में शिकायत, इस मामले की शिकायत पुलिस में कर दी गई है। अब देखिए इस पे क्या एक्शन होने वाला है, क्योंकि यहां पे जो रायपुर के एसएसपी सर हैं उन्होंने बोला है कि फर्जी सरकारी पत्र वायरल होने की शिकायत पर विभागों से संपर्क बनाकर लगातार जांच की जा रही है। इंटरनेट मीडिया में ऐसे पत्र को वायरल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजय कुमार यादव, एसएसपी रायपुर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फर्जी न्यूज़ को वायरल ना करें।